बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहनों और भाइयों को उम्मे ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर दिल से खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप तमाम खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ दांतों को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो इजीली आप अपने दांतों को चमकदार बना सकेंगे। ये बहुत ही आसान रेमेडी है और इसमें आपका ना ज़्यादा वक्त खर्च होगा और ना ज़्यादा पैसा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और इजी रेमेडी है। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको अपडेट मिलता रहे। तो हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, सिर्फ दो चीज़ें लेनी हैं और वो चीज़ें भी सस्ती सी हैं और वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसमें आपने एक बनाने का पीस, छोटा सा टुकड़ा बनाने का लेना है और एक पिंच आपने मीठा सोडा लेना है। तो अगर आपके टीथ बहुत पीले हैं या आपके टीथ चमकदार नहीं हैं, आपके टीथ साफ नहीं हैं, आप अपने दांतों को साफ़ करना चाहते हैं, दांतों की मैल को दूर करना चाहते हैं, अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं, दांतों को चमकदार बनाने के लिए आपने एक छोटा टुकड़ा बनाने का लेना है और उसके ऊपर एक पिंच आपने मीठे सोडे की डाल देनी है। तो उस बनाने के पीस से, उस केले के पीस से आपने अपने दांतों को साफ़ कर लेना है। आपने दांतों के ऊपर अच्छी तरह ऊपर नीचे मार लेना है ताकि आपके टीथ अच्छी तरह क्लीन हो जाएं। और ये आपने कोई 10 मिनट तक दांतों को साफ़ करते रहना है और इसके बाद आपने कुली कर लेनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। तो आप देखेंगे कि आपके दांत, आपके टीथ कितने चमकदार हो गए हैं, कितने क्लीन हो गए हैं, कितने साफ़ हो गए हैं। अगर यकीन ना आए तो जमा कर देख लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखना ढेर सारा ख्याल और हमारे लिए भी करते रहना दुआएं। ओके, खुदा हाफिज़।